नमस्कार, मैं नफीस अहमद प्राथमिक शिक्षक केंद्र दया नंबर 2 ईटानगर से आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 4 का हिंदी विषय का एक पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप उस पाठ के शीर्षक को ध्यान से देखें और सोचें तो आपको उसी पाठ के शीर्षक से उस कहानी के अंदर होने वाली क्या क्या घटना है थोड़ा सा अंदाजा उसका आपको लग सकता है। जैसे कि इसी पाठ का नाम है, इस पाठ के नाम से हम समझ सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कोई एक ऐसी घटना घटी होगी जिससे उस घटना ने कई सारे अजीबोगरीब क्वेश्चंस को खड़ा किया होगा। और जब अजीबोगरीब प्रश्न होंगे तो उनका जवाब भी जो होगा वो भी बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से दिया गया होगा। तो ये जो टाइटल है जैसा सवाल वैसा जवाब अपने आप में उस चीज को क्या करता है, सिद्ध करता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब हमने आज तक बहुत सारी कहानियां पढ़ी है, राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ी है, हम आज भी कहानी पढ़ेंगे। और राजा महाराजाओं की कहानी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा अकबर बीरबल के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऑफ कोर्स पढ़ा होगा। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अकबर और बीरबल की कहानी है, लेकिन हमें पढ़नी नहीं है। आज हम एक नई तरीके से कहानी को पढ़ना सीखेंगे। हमारे सामने उस कहानी से संबंधित कुछ पिक्चर्स हैं, हम उन पिक्चर्स को देखेंगे। उन पिक्चर्स को देख के क्या करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि इस पिक्चर के अंदर आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक पिक्चर आपके सामने है, आप देखे होंगे कि किसी राज दरबार की सी पिक्चर दिख रही है कि राजा कुर्सी पर बैठा है, मंत्री लोग बैठे हैं, दरबार सजा हुआ है। यस, दिस इज यही वो असली कहानी का स्टार्टिंग शुरुआती पॉइंट है जहां से कहानी शुरू होगी। महाराजा अकबर चेयर पर बैठे हुए हैं, दरबार सजा हुआ है, लोग अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं। इसी दरबार में राजा अकबर के दरबार में कई सारे मंत्री हैं, उनमें एक मंत्री है बीरबल। क्या नाम है उसका? बीरबल। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति है और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और सभी लोग उसका गुणगान करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब क्लास में किसी एक बच्चे की तारीफ ज्यादा की जाएगी तो कुछ बच्चों के अंदर उसको लेकर के द्वेष भावना आ सकती है, जलन हो सकती है। सेम वैसे ही राजा अकबर के दरबार में भी हुआ। जब सब लोग बीरबल की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो उस दरबार में एक मंत्री है ख्वाजा सरा। क्या नाम है उसका? ख्वाजा सरा। वो बीरबल की प्रशंसा को सुनकर के मन ही मन बड़ा दुखी होता है, उसे जलन होती है, गुस्सा आता है कि बीरबल और सभी मंत्री राजा बीरबल की और सभी मंत्री मिलकर बीरबल की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मेरी कोई भी प्रशंसा नहीं करता है। तो वो मन ही मन खींचता है, मन ही मन जलता है और वो किसी ना किसी तरीके से बीरबल को नीचा दिखाना चाहता है। वो उस जलन को लेकर के, उस गुस्से को लेकर के, उस घृणा को लेकर के वो राजा के पास जाता है। देखेंगे आप पिक्चर में, आप ख्वाजा सरा दाढ़ी वाले आजकल पगड़ी पहने हुए हैं, दाढ़ी के साथ गुस्से में बड़े मन की जलन के साथ राजा दरबार में राजा के पास जाते हैं और राजा के पास जाकर के क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि आप बीरबल को इतना बुद्धिमान समझते हो जबकि मैं बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हूँ, आप हमेशा उसकी प्रशंसा करते हो, मेरी नहीं करते हो, तो क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न देता हूँ और आप उन प्रश्नों को बीरबल से पूछना, अगर बीरबल उन प्रश्नों का जवाब दे पाए तो फिर उसे बुद्धिमान माना जाएगा, नहीं तो मुझे ही फिर बुद्धिमान से ज्यादा समझा जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा कि हमें करना क्या है, जो पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर से आपको चीजों को देख कर समझना भी है और हर पिक्चर को हमें एक नाम भी दे के चलना है या उस पिक्चर के पीछे की छोटी सी कहानी को उसके नीचे हमें लिखकर चलना है ताकि हमको याद रहे कि इस पिक्चर के अंदर किस कहानी को दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने लिखा है इस कहानी में, देखेंगे आप कि ख्वाजा सरा का बादशाह अकबर के पास जाना और बीरबल की बुराई करना, तो आप इसे समझ जाएंगे कि जो ख्वाजा सरा था वो बादशाह अकबर के पास गया और जाकर के उसने क्या करना शुरू किया, बीरबल की बुराई करना शुरू किया है। ठीक है, हाँ, अब बीरबल उसके पास जो बादशाह अकबर थे वो ख्वाजा सरा की बात को बहुत अच्छे से सुन लेते हैं और सुन लेते हैं तो ख्वाजा सरा को बोलते हैं, ठीक है आप हमें अपने प्रश्न दीजिए, जो आपने प्रश्न सोचे हैं हम बीरबल को बुलाकर प्रश्नों को पूछेंगे। तो ख्वाजा सरा उन तीन कठिन प्रश्नों को लिख करके बादशाह अकबर को थमा देते हैं और बादशाह अकबर उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। देख आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि बादशाह अकबर क्या कर रहे हैं, उन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं।
तो देखो इस तस्वीर के पीछे की कहानी को हमने दो शब्दों में नीचे लिखा है। क्या लिखा है? बादशाह को प्रश्न लिख कर देना। तो इससे आप समझ जाएंगे कि इस कहानी के पीछे कहानी क्या है कि इसमें बादशाह को प्रश्न लिख कर दिए हैं। किसने दिए हैं? ख्वाजा सरा ने। जब वो प्रश्न बादशाह पढ़ लेता है, ख्वाजा सरा के दिए हुए प्रश्न को बादशाह पढ़ लेता है, तो बादशाह आदेश देता है, जाओ बीरबल को बुला कर लाया जाए। जो दरबार है वो जाते हैं और बीरबल को बुला करके लाते हैं और बीरबल राज दरबार में बादशाह के सामने पेश होता है। देख भी रहे होंगे कि बीरबल सामने खड़ा है, बादशाह जी बैठे हैं अपनी गद्दी पर बैठे हैं। तो अब इस कहानी के पीछे कहानी है, इस तस्वीर के पीछे कहानी आपको दिख रही है और उसको मैंने एक नाम देकर के नीचे लिखा भी है कि बीरबल को दरबार में बुलाना। इसका मतलब है कि बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया ताकि वो ये परीक्षा की जांच कर सके कि बीरबल ज्यादा बुद्धिमान है या ख्वाजा सरा, ताकि वो क्वेश्चन को उनसे पूछ सके। और बादशाह अकबर धीरे धीरे करके एक एक प्रश्न बीरबल से पूछता है। अब आप देखेंगे कि बादशाह अकबर ने बीरबल से पहला क्वेश्चन पूछा। उन तीन मुश्किल सवाल जो ख्वाजा सरा ने लिखकर बादशाह को दिए थे, ये पता करने के लिए कि बीरबल इनका जवाब दे पाएगा या नहीं, उन प्रश्नों में से पहला प्रश्न बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा। और प्रश्न का नाम क्या है? संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो केंद्र बिंदु का मतलब समझेंगे, केंद्र बिंदु मतलब कोई चीज है और उसका बीचों बीच पॉइंट, कोई चीज है और उसका बीचों बीच पॉइंट। तो कैसे समझेंगे? केंद्र बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट, किसी चीज की बीच का कोई पॉइंट। थोड़ा सपोज मान लीजिए ये मैंने कोई एक सर्कल बनाया है। अब केंद्र बिंदु का मतलब क्या होगा कि इसके बीचों बीच इसका केंद्र बिंदु, इसको बोलेंगे हम केंद्र बिंदु। ठीक है, केंद्र बिंदु, कि इसका केंद्र बिंदु कहां पर है। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बताओ इस संसार का, इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है। तो अब बीरबल ने बहुत सोचा और सोचने के बाद उसका जवाब दिया। अब आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे, इस तस्वीर में एक उनके हाथ में डंडा है, बीरबल जी के हाथ में डंडा है और उन्हें क्या किया है, कुछ डंडे को जमीन में गाड़ दिया और बोला कि महाराज यही पूरे संसार का केंद्र बिंदु यही है, पूरे संसार का केंद्र बिंदु यही है। अब भाई पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसने वहां पे डंडा गाड़ दिया और कहा कि यही पूरे संसार का केंद्र बिंदु है। तो राजा ने बोला तुम्हें कैसे पता कि यहाँ का केंद्र बिंदु है। उसने कहा महाराज मेरे हिसाब से तो यही केंद्र बिंदु है, अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, तो आप जाइए और एक फीता मतलब इंची टेप, जिससे किसी की हाइट या लंबाई नापते हैं, उससे क्या आप नाप लीजिए पूरी पृथ्वी को, पता चल जाएगा आपको। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसको नापने के लिए कौन जाएगा। तो राजा ने मान लिया कि चलो ठीक है, तुम्हारा जो जवाब है वो हमने सही मान लिया, क्योंकि असंभव है पृथ्वी को नाप पाना और ये बता पाना कि उसका केंद्र बिंदु कहाँ है। तो बीरबल का ये जवाब सही मान लिया गया। इसलिए अब देखो इस पिक्चर की पीछे की कहानी को मैंने क्या किया है, हिंट बना करके मैंने नीचे लिखा है कि एक डंडा मंगाकर जमीन में गाड़ना। अब आपको इससे याद रहेगा कि उसने डंडा मंगाया था, जमीन में गाड़ा था और क्या बताया था, जमीन का केंद्र बिंदु, संसार का केंद्र बिंदु मैंने बताया था। बादशाह उसके इस प्रश्न को सुनकर थोड़ा खुश हुआ और संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उसने अगला क्वेश्चन पूछा, कि बताओ आसमान में कितने तारे हैं। आप खुद ही बताओ बच्चों, आप तारे गिन सकते हैं क्या, बताइए? नहीं गिन सकते, कोई भी नहीं गिन सकता है, तारे तो असंख्य हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। तो बादशाह अकबर ने जब बीरबल से पूछा कि बताओ आसमान में कितने तारे हैं, तो बीरबल ने बहुत देर तक तो खड़े होकर के सोचा, फिर उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखने चाहेंगे, चल दिखाते हैं। बीरबल ने राजा को आदेश दिया कि महाराज जाए एक बकरी मंगा दीजिए। क्या मंगा दीजिए? बकरी, कि एक बकरी मंगा दीजिए। महाराज ने आदेश दिया, बकरी दरबार में आई और राजा के सामने खड़ी कर दी गई। बीरबल ने कहा महाराज अब किसी को बुलाइए और कहिए
कि इस बकरी के बालों को गिने, जितने इस बकरी के शरीर पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। बादशाह बोले बकरी के बाल कौन गिन सकता है, कोई भी नहीं गिन सकता, ये तो असंभव है। तो बोला महाराज जितने इसके शरीर पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, उनको भी ऐसे गिन पाना असंभव है, आप मान लीजिए। राजा ने उसकी बात वो भी मान ली, भाई कौन गिन सकता है, तो राजा ने उसकी बात को भी संतुष्टि या मानते हुए स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है कि आसमान में इतने ही तारे हैं। फिर राजा ने आखिरी क्वेश्चन पूछा, और आखिरी क्वेश्चन उससे पूछा बीरबल से कि बताइए कि संसार की आबादी कितनी है। अब पूरी दुनिया की कितनी जनसंख्या है ये गिन पाना बहुत मुश्किल काम, असंभव काम। पिछले दो जवाबों को सुनने के बाद ख्वाजा सरा का मुंह उतर गया था, फिर भी इस उम्मीद के साथ कि इस क्वेश्चन का जवाब वो नहीं दे पाएगा बीरबल की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे बीरबल को नीचा दिखाना था। बादशाह ने बड़े जोश से क्वेश्चन पूछा कि बीरबल जवाब दो इस क्वेश्चन का कि संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और सोच कर बड़े ध्यान से जवाब दिया और कहा महाराज जहां बना संसार की आबादी हमेशा घटती बढ़ती रहती है, उसका कोई फिक्स नहीं है कि कब रहेगी कब नहीं रहेगी, तो संसार की जो आबादी है वो घटती बढ़ती रहती है, इसे गिन पाना उसको थोड़ा मुश्किल है। अगर हम उसे गिनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक खुले मैदान में इकट्ठा करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करो और फिर उनको गिनना शुरू कर देते हैं, उनको गिनेंगे तो पता चल जाएगा कि इस देश की जनसंख्या पूरे संसार की जनसंख्या कितनी है। अभी तो बड़ा असंभव मुश्किल सा काम है ये बता पाना, या उस संसार के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर पाना, ये तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे होगा। तो बीरबल की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ कि बड़ा बुद्धिमानी से उसने सवाल का जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि उनका कोई तोड़ किसी के पास भी नहीं है। और उसके तीनों सवालों का जवाब सुनकर जो ख्वाजा सरा जो एक कोने में बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था वो शर्मिंदगी से उसका मुंह नीचे की तरफ लटक गया। अब आप अगली पिक्चर देखेंगे, इस पिक्चर में आपको तस्वीर में आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है कि जो राजा है वो बीरबल को खुश होकर क्या कर रहा है, इनाम दे रहा है। बीरबल की इस बुद्धिमानी को ध्यान में रखते हुए राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसको इनाम में बहुत सारा धन दिया। ठीक है, ये बीरबल की बुद्धिमानी थी। अब बच्चों अब आपको कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि मैंने आपको कहानी क्या समझाई है कि दरबार में क्या होता है, बीरबल से कौन चिढ़ता है, ख्वाजा सरा उसको नीचा दिखाने के लिए क्या करता है, तीन मुश्किल सवाल देता है, बादशाह जी बीरबल को बुलाकर उन मुश्किल सवालों का जवाब पूछते हैं, बीरबल बड़ी बुद्धिमानी से उन सवालों का जवाब देता है, और अंत में राजा उनसे खुश होकर के उसको इनाम में दे देता है। ये कहानी मैंने आपको तस्वीर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आपको समझाई, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। लेकिन अब आपको भी कुछ थोड़ा सा करना है, और वो करना क्या है मैं आपको अगले पेज पर बताता हूं। देखिए बेटा, हमने जो कहानी पढ़ी उस कहानी में हर चित्र को मैंने एक ना एक नाम दिया, यानी कि उस चित्र के पीछे एक कहानी छुपी थी, उस कहानी को मैंने किन्हीं अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से मैंने एक नाम दे दिया कि इसके पीछे कहानी हो सकती थी। पहली तस्वीर देखी थी तो पहली तस्वीर के अंदर बादशाह अकबर और बीरबल और दरबार की बात चल रही थी, तो वहां पे था उसके बारे में बात चल रही थी। फिर हमने दूसरी तस्वीर देखी तो ख्वाजा सरा का बीरबल से चिढ़ना, कि ख्वाजा सरा बीरबल से कैसे चिढ़ता था, उसे क्यों नीचा दिखाना चाहता था। अब नेक्स्ट अगली तस्वीर जब हमने देखी तो उसमें हमने देखा था कि ख्वाजा सरा का बादशाह अकबर के पास जाना और बीरबल की बुराई करना, उसने वहां जाके बुराई की थी। फिर नेक्स्ट तस्वीर जब हमने देखी, चित्र हमने देखा, तो उसमें हमने देखा था कि बादशाह को जो ख्वाजा सरा था उसने बादशाह को प्रश्नों को लिख करके दिया, एक पेपर पे पढ़ रहे थे ना बादशाह जी, हाँ वो लिख के दिया था। फिर अगली चित्र जब हमने देखा तो उसके जो पीछे की कहानी थी, उस चित्र की कहानी वो ये थी कि बीरबल को दरबार में बुलाया गया, बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया। फिर उसके बाद एक फिर उससे क्वेश्चन पूछा कि बताइए जमीन का केंद्र बिंदु कहाँ है, और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि बताइए आसमान में कितने तारे हैं, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा कि संसार की कितनी आबादी है, तो उन तीनों का उसने जवाब दिया, गन्ना मंगा करके दिया, बकरी के बाल गिन करके जवाब दिया, और संसार की आबादी का भी उसने जवाब दिया कि हमेशा घटती बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से हमने उस चित्र के माध्यम से कहानी को, चित्रों को समझ करके ऑब्जर्व करके उस कहानी को समझा, और उस चित्रों के पीछे की कहानी को एक एक दो दो शब्दों में एक लाइन में हमने समझने की कोशिश की, ताकि हम उसको कभी देखें तो हमें याद आ जाए। अब आपको करना क्या है, आप सब लोग करेंगे घर पे अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस करना है।
नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको जो कहानी मैंने समझाई है और जितनी भी वो कहानी आपको समझ में आई है, अब आपको उस कहानी को इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक एक करके, पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इनको ध्यान में रखते हुए उस कहानी को आप क्या करेंगे, अपने शब्दों में जैसे भी आपको समझ में आई है वैसे लिखना है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को 1 से लेकर के 8 पॉइंट तक आप आएंगे तो पूरी की पूरी कहानी क्या होगी आपको समझ में आ जाएगी और आप उसको अपने शब्दों में लिख पाएंगे। इतना काम कर पाओगे आप लोग? बिल्कुल करना है, ये लिखनी है घर पे, तभी में पता चल पाएगा कि आपको कहानी कितनी समझ में आई है। ठीक है,